सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और आज आपकी नज़र कुछ ऐसा प्लॉट कर रहे हैं जो कि डिमांड भी है और कहते हैं कि जी कम बजट में हमें बड़ा साइज़ चाहिए और रेट भी ज़्यादा हो ना हो, तो ऐसा ही एक प्लॉट आज आपके लिए लेके आए हैं। पहले लोकेशन के बारे में, पीछे घर कोठियां शानदार बनी हुई हैं और इसके इस तरफ सामने ये जो प्लॉट है 72 इसकी डीप है और एक प्लॉट 30x72 है और दूसरा 38x72 है, 38x72 है और एक 30x72 है। तो ये दो प्लॉट जो हैं वो फॉर सेल अवेलेबल हैं। अभी सूरज इस तरफ से है तो ईस्ट है, तो ये नॉर्थ फेसिंग है, तो दोनों के दोनों प्लॉट जो हैं नॉर्थ फेसिंग है। और इस तरफ एक कॉर्नर का प्लॉट है, इस कॉर्नर के प्लॉट से नेक्स्ट का ये जो प्लॉट है। अब ये म्यूनसिपल काउंसिल खरड़ का एरिया है, सेक्टर 125 है, जो 200 फिट रोड आती है पीछे से, जो 124 125 को डिवाइड करती है, उसी से भी आप इंटर कर सकते हो यहाँ पे। और जो IDBI बैंक है, जो मेन चंडीगढ़ खरड़ वाली बस स्टैंड से जब चंडीगढ़ जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे IDBI बैंक आता है, वहाँ से जो अंदर रोड आ रही है वहाँ से भी आप इसको यहाँ तक पहुँच सकते हो। ओल्ड सनी इनक्लेव के अंदर से भी सीधा इसके अंदर इंटर कर सकते हो, झुंगिया रोड से भी इसकी एंट्री है, तो काफ़ी मल्टीपल एंट्रीज हैं इसकी। और ये जो प्लॉट है ये प्राइस वाइज, क्योंकि आसपास जो प्राइस चल रहा है सनी इनक्लेव की बात करें तो 30,000 के आसपास का चलता है, और अगर ग्लोबल सिटी की बात करें तो 22 से 25 हज़ार रुपये गज का रेट चलता है। लेकिन इस लोकेशन के ऊपर ये प्लॉट जो कि बड़े साइज़ के हैं, 250-300 गज के जो प्लॉट हैं, ये अगर लेने होंगे तो आपको ये 18,000 से 16,000 के बीच में कहीं बन जाएगी बात, क्योंकि 18 इनकी डिमांड है, तो 18,000 रुपये गज के हिसाब से ये डिमांड करते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी हो जाए और कहीं बात आपकी बीच में मिडल में बन सकती है। तो अगर आप बड़े साइज़ का प्लॉट सिटी के अंदर ढूंढ रहे हैं और जहां बड़ी कोठियां ऑलरेडी बनी हुई हैं, ये इस एरिए के अंदर मैक्सिमम जो हैं कोठियां वो बड़े साइज़ की हैं, क्योंकि शहर का पुराना एरिया है और गलियां ऑलरेडी बनी हुई हैं, म्यूनसिपल काउंसिल का पार्ट है, सीवरेज, पानी, बिजली सब यहां पे सरकार की तरफ से है, कोई बिल्डर नहीं है यहां पे। और यहां पे जैसे ही आप अपना प्लॉट का घर बनाना चाहोगे इसके ऊपर, तो नक्शा भी आपका पास हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और बैंक लोन भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे इसका नक्शा पास, हम करंट ओनर है उसके नाम पे ही नक्शा पास होगा, तो उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर ही हमने अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको बैंक से भी आपको इस पर 50% के आसपास लोन मिल जाएगा और कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। अब वो बात आती है कि सर शेयर नहीं सुनाया, वो कंप्लेंट ना हो आपकी, तो उसके लिए फहमी साहब का एक शेर है आज कि जैसे हम ये प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो पहले खुद सर्वे करना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट होती हैं, फिर उसकी वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, ऐसे ही जो शेर आपको सुनाना होता है उसके लिए भी कुछ पहले किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ शायरों को सुनना पड़ता है, उसमें फिर कुछ शेर शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं, तो जाके आपको आपके सामने वो शेर सुनाया जाता है। तो दोनों ही कामों में बहुत मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि और लोगों तक भी हम पहुंच पाएं। और जाते जाते वो शेर जो है फहमी साहब का वो सुना दें, आज के मौजूदा हालात में वो बहुत, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उन्होंने लिखा है कि वही इम्तिहान में पास हुए, वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे, यानी कि जिनको एक इंटेलिजेंस स्टूडेंट ने नकल मरवा दी, बस वही पास हुए, तो वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। और जो लास्ट शेर है कि कल रात जब तुम्हारा फ़ोन आया तुम मेरे ही पास बैठे थे, कि मैं तुम्हारे ही ख्यालों में गुम था जब तुम्हारा फ़ोन आया। तो ये आज के मौजूदा हालात के ऊपर है। मैं दोबारा से दोनों शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपको आगे सुनाने में आसानी रहे, कि
वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। कल रात जब तुम्हारा फोन आया तुम मेरे ही पास बैठे थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।